नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मथुरा की श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव देश ही नहीं दुनिया में फेमस है। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर ब्रजभूमि में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ब्रजभूमि में चारों ओर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। इधर मथुरा के प्रख्यात विद्वान आचार्य रामविलास चतुर्वेदी ज्योतिषाचार्य जो हमें बताएंगे कि कैसे अनुष्ठान और पूजा पाठ के जरिए आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इनसे लगातार चर्चा हमारे सहयोगी ने की है, इनका क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। जन्मोत्सव की, जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। आइए हम जानते हैं कि इस बार भगवान का जो अवतरण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हो रहा है वह किस मुहूर्त में, कौन सी लग्न में और कब हो रहा है तथा किस राशि वालों के लिए क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आम जनमानस के लिए क्या लाभदायक और क्या हानिकारक समय रहेगा तथा इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान बाल कृष्णलाल 30 अगस्त की मध्य रात्रि, 31 अगस्त प्रारंभ होने वाला, ठीक 12 बजे भगवान का अवतरण रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में सोमवार के दिन हर्षण योग और कौलब करण में होने वाला है। सहारनपुर में मेडिकल कैंप का उद्घाटन करते हुए रेलवे अपर मुख्य चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर ललित कुमार ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को अपना मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए, जिसमें बीपी समेत बीमारियों की जांच कराई जाएगी, जिसके लिए मेडिकल कैंप की भूमिका बेहद जरूरी है। साथ ही चिकित्सा शिविर में ध्वनि स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक की डॉक्टर ऋचा अग्रवाल ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में लगभग 6.3 करोड़ जनसंख्या सुनने की बीमारी से ग्रसित है, जबकि बहुत बड़ी संख्या इससे बारे में जागरूक भी नहीं है। बहुत लोगों को नहीं पता कि ये भी एक गंभीर बीमारी हो सकती है, जिसे श्रुति कार्यक्रम के द्वारा समाज को जागरूक करने का काम लगातार किया जा रहा है। तो चिकित्सा शिविर का यहां पर आयोजन किया गया, शिविर के जरिए लोगों को जागरूक भी लगातार किया जा रहा है। तो सहारनपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर शिविर के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि 40 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं उन्हें रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, जिसमें तमाम बीमारियां जो हैं वो चेक हो सकती हैं। इसके साथ ही इनके कार्ड भी बनाए जा रहे हैं ताकि ये आने वाले समय में भी स्वास्थ्य लाभ ले सकें। वहीं देवबंद के एसडीएम ऑफिस पहुंचकर राजपूत कर्णी सेना ने उप जिलाधिकारी को सीएम योगी के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि टीवी दंगल पर धारावाहिक नत नाम से एक कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, जिसमें क्षत्रिय समाज को बलात्कारी और अत्याचारी दिखाया जा रहा है, जिससे क्षत्रिय समाज की मान मर्यादा में प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है और इससे क्षत्रिय समाज में रोष भी हो रहा है। साथ ही क्षत्रिय समाज ने महाराणा प्रताप से लेकर आज तक हमेशा भारतवर्ष की एकता, अखंडता तथा भारतीयों के मान सम्मान के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो कर्णी सेना यहां पर प्रदर्शन करती हुई नजर आई है, साथ ही साथ सीएम योगी के नाम पर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। इनका कहना है कि कुछ चैनलों पर इस तरह के धारावाहिक दिखाए जा रहे हैं जिसमें जो क्षत्रिय समाज है उसे गलत दिखाया जा रहा है। इस धारावाहिक का नाम नथ बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ रोष यहां पर कर्णी सेना में देखा गया है। कर्णी सेना ये कहती हुई नजर आ रही है कि वो इस धारावाहिक को बंद कराना चाहती है या फिर इसमें बदलाव किए जाने चाहिए, क्योंकि इससे समाज में एक गलत मैसेज जो है वो जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। और योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन भी यहाँ इन्होंने सौंपा है। तो देवबंद से एक खबर सामने आई है जहां पर एक धारावाहिक को लेकर जो कर्णी सेना है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। दरअसल कर्णी सेना ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इनका कहना है कि एक चैनल पर एक धारावाहिक आता है जिसमें क्षत्रिय समाज की अवहेलना की गई है, क्षत्रिय समाज को गलत दिखाया गया है।
वहीं अमरोहा के थाना दिवस में लेखपाल का रिश्वत लेते एक वीडियो वायरल हुआ है। पूरा मामला मंडी धनौरा तहसील के फतेहुल्लुपुर गांव का है, जहां तैनात लेखपाल ने किसान से काम कराने को लेकर पैसों की मांग की, जिसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, पीड़ित किसान ने लेखपाल को रिश्वत दी और उसकी तस्वीर मोबाइल फोन में कैद कर ली, जिसके आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अमरोहा की तस्वीरें हैं, जहाँ पर लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। और ये पहला मौका नहीं है, उत्तर प्रदेश में लेखपाल के रिश्वत लेते तमाम वीडियो पहले भी वायरल हो चुके हैं। एक्शन लिया जाता है, लेकिन इस तरह के भ्रष्ट लेखपाल जो हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। अमरोहा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किसान से लेखपाल ने रिश्वत मांगी और किसान ने रिश्वत दी भी है, लेकिन वीडियो बना लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल भी आगे की जानी है। अमरोहा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रिश्वत लेते हुए लेखपाल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। दरअसल किसान कुछ काम कराने को लेकर लेखपाल के साथ पहुंचा था, लेकिन लेखपाल ने काम कराने की एवज में उससे पैसे मांगे, यानी कि घूस मांगी, और ये कहा कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक काम नहीं होगा, जिसका वीडियो किसान ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। तो आप हाथों में लेखपाल के पैसे देख सकते हैं, आसानी से उसने इस शिकायती पत्र में जो पैसे हैं वो रखे और लेकर यहाँ से जाता हुआ भी नजर आया है। दरअसल किसान यहाँ पर कुछ काम कराने को लेकर लेखपाल के पास पहुंचा था, लेकिन लेखपाल ने काम कराने को लेकर पैसे मांगे, किसान ने पैसे दिए, लेकिन वीडियो भी बना लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी वैभव त्यागी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वैभव, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया है, क्या कोई एक्शन लिया गया? नहीं मैम, इसी अभी इस प्रकार का कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया गया है, और जो किसान है उन्होंने लगातार मांग की है कि लेखपाल के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से भी गुहार लगाई है कि लगातार उन्हें काफी समय से ही परेशान कर रहे थे, और अवैध वसूली के रूप में उनसे कभी 100 रुपए कभी 500 रुपए के तरह से उनसे मांगा जाता था। वे तो अपना हिस्सा पाठ कराना चाहते थे, जो गुरविंदर नाम के किसान है, धनौरा तहसील का ये मामला है पूरा, इसमें भी किसी प्रकार का कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल वैभव, देखा जाए तो ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे वीडियो वायरल हो चुके हैं जहां पर लेखपाल रिश्वत लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक्शन लिया जाता है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि जितने भी भ्रष्ट कर्मी हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए, कार्रवाई होती भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे कई कर्मी हैं जिन पर गाज नहीं गिर पाई है और जिनमें जरा सा भी डर नहीं है। जी जी, लगातार इस प्रकार के मामले उत्तर प्रदेश में सामने आते रहे हैं, मगर ये एक सोशल मीडिया पर भी वायरल होता रहा है। इसी प्रकार से इन्होंने जो गुरविंदर उन्होंने भी आज एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था, अपने फोन के द्वारा बनाया गया था इनका, और लगातार जो अजय जौहरी नाम का पटवारी है वो इनसे लगातार अवैध वसूली की मांग कर रहा था पट्टा पाठ कराने के लिए। बिल्कुल वैभव, तो क्या कोई एक्शन लिया गया? ये जो वीडियो है वो आला अधिकारियों के पास पहुंचा है? आला अधिकारियों के पास इस वीडियो की पूरी सूचना है, मगर अभी कोई भी एक्शन या किसी भी प्रकार की कार्यवाही अभी पटवारी के खिलाफ नहीं हुई है। बिल्कुल वैभव, जो किसान है जिससे यहाँ पर रिश्वत मांगी गई है, किसान की तरफ से क्या कुछ कहा गया? किसान ने अपना जो है आक्रोश जताया है और आला अधिकारियों से मांग की है कि पटवारी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कड़ी कार्रवाई करके उसके साथ जो है कार्यवाही की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अमरोहा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल किसान यहां पर अपना काम कराने को लेकर पहुंचा था, लेकिन काम कराने के एवज में लेखपाल उससे पैसे मांगता हुआ नजर आ रहा है। किसान ने वीडियो बना लिया, वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ है। फिलहाल वीडियो जो है वो आला अधिकारियों के संज्ञान में है, लेकिन अभी तक क्या एक्शन लिया गया है इस पर कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां बांसुरी उद्योग की बांसुरी इतनी फेमस है कि इसे देश में ही नहीं विदेशों में भी भेजा जाता है, लेकिन कोरोना के कारण 2 सालों से बांसुरी का कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुका है, जिसके चलते वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जहाँ बांसुरी उद्योग से जुड़े कारीगरों को लोन देने की व्यवस्था कराई गई है।
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीलीभीत जहां बांसुरी के कई उद्योग हैं, और ऐसे में इनसे कहा जा रहा है कि ये लोग अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए लोन ले सकते हैं। अगर बात की जाए पीलीभीत की, तो देश ही नहीं विदेशों में भी जो बांसुरी है यहाँ से बनकर भेजी जाती है, लेकिन कोरोना के कारण 2 साल से बांसुरी का कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुका है। यानी कि जो बांसुरी के कारोबारी हैं, जिसके चलते वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जहां बांसुरी उद्योग से जुड़े कारीगरों को लोन देने की व्यवस्था कराई गई है, ताकि वो लोग अपने कारोबार को बढ़ावा दे सकें और आगे उनका कारोबार ठप ना रहे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उन्हें लोन दिया जाएगा, ताकि अपने व्यवसाय को वो बढ़ावा दे सकें और पैसे कमा सकें, रोजगार ढूंढ सकें। लोग से जुड़े कारीगरों को जो है लोन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। कितने कारीगरों को कराया, क्या क्या लोन दिया गया है? ODOP योजना के अंतर्गत जनपद पीलीभीत में एक विशेष कैंप लगाया गया। हमारा उद्योग जो कि बांसुरी का है, उसके लिए सभी बैंकर्स बांसुरी कारीगरों के बीच में गए और 2 दिन के इस कैंप में 53 लोगों के लोन स्वीकृत हुए, 53 लाख के लोन स्वीकृत करे गए हैं। आगे भी आने वाले समय में इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे, जिससे हमारे उस उद्योग से जुड़े हुए कारीगरों को फ़ायदा हो सके और वो अपना निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा जगहों तक पहुंचा सके। ये हमें लोन मिला है, इसकी जो लिमिट है तो 50,000 से स्टार्टिंग है और 5 लाख तक का ये लोन है। ठीक है, तो जो लोग पहली बार ये लोन ले रहे हैं और जो अभी काम स्टार्ट करेंगे ये लोन लेकर, उनको जो है 50,000 का ही लोन दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों का अपना कारोबार है, ये जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों ने इसको अपने काम को बढ़ाने के लिए ये जो लोन लिया है, तो उनको जो है ज़्यादा पैसों का लोन मिला है। ये 50,000 से ज़्यादा का, जैसे कि 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2-2.5 लाख तक का लोन मिला है। और इसके अलावा जब वो अपने कारोबार को और आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश सरकार भले ही प्रदेश में सुशासन और न्याय व्यवस्था की बातें करती नजर आती हो, लेकिन अधिकारियों की कार्यशैली के आगे सरकार की नीतियां और दलीलें जुमला साबित हो जाती हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला भोगिनीपुर तहसील का है, जहां एक शख्स पिछले कई दिनों से शासन और प्रशासन के चक्कर काट कर इस तरह परेशान हो गया है कि खुद की समाधि बनाने में जुट गया है। दरअसल युवक का पड़ोसी से आपसी विवाद चल रहा था, जिसमें एक मकान के छज्जे को बनाने को लेकर दोनों ही पक्ष में विवाद हो गया। दूसरा पक्ष ज्यादा मजबूत होने के चलते निर्माण कार्य को नहीं रोक रहा था, जिसे लेकर कई बार युवक ने इसकी शिकायत की, लेकिन सिर्फ निराशा ही हाथ लगी, जिसके बाद युवक बेबस होकर ऐसा कदम उठाने पर अड़ा हुआ है। तो कानपुर का ये पूरा मामला, जहां पर प्रशासन से नाराज युवक ने अपनी कब्र खोद दी शुरू कर दी है। युवक ने जिंदा समाधि लेने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि युवक अपने पड़ोसी के साथ कुछ विवाद चल रहा था और इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिससे नाराज होकर, जिससे परेशान होकर उसने ये फैसला लिया है। तो खुद की जिंदा समाधि बनाने का यहाँ पर फैसला लिया गया है। प्रशासन से नाराज युवक ने खुद की कब्र खोदी है। कानपुर देहात का मामला, जहां पर लाख दावे किए जाते हैं कि शासन और प्रशासन पूरी तरह से जनता की शिकायतें, जनता की परेशानियां सुनने के लिए मुस्तैद है, लेकिन शायद कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो उस पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो कानपुर देहात में देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल प्रदेश सरकार भले ही प्रशासन में सुशासन और न्याय व्यवस्था की बात करती हो, लेकिन अधिकारियों की कार्यशैली के आगे सरकार की नीतियां और दलीलें सिर्फ जुमला साबित होती हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि पूरा मामला भोगिनीपुर तहसील का है, जहां एक शख्स पिछले कई दिनों से शासन और प्रशासन के चक्कर काटकर इस तरह परेशान हो गया कि खुद की समाधि बनाने में जुट गया है। दरअसल युवक का पड़ोसी से आपसी विवाद चल रहा था, जिसमें एक मकान के छज्जे को बनाने को लेकर विवाद बढ़ता चला गया। दूसरा पक्ष ज्यादा मजबूत होने के चलते निर्माण कार्य नहीं रुका, जिसे लेकर कई बार युवक ने इसकी शिकायत की, लेकिन सिर्फ निराशा ही हाथ लगी, जिसके बाद युवक ने ये बड़ा फैसला ले लिया है और जिंदा समाधि बनाने जा रहा है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, युवक को समझाने की बहुत कोशिश की है। हम इस बात के सर कदम उठा रहे हैं कि हमारे रास्ता चाहिए हमको। अगर हमारी वालिद की या हमारी किसी की अगर मौत मिट्टी हो जाती है, तो वहाँ से निकलने के लिए मुझे जगह चाहिए। अगर जगह नहीं मुझे मिलेगी तो कहाँ से मिट्टी जाएगी सर? किस चीज़ पे कब्जा कर ली, किस में कब्जा किया गया है?
सर कब्जा तो रास्ते की बात है ना, रास्ते में रास्ता मुझे चाहिए। रास्ते में मतलब इतनी कब्जा ऐसा कर लिया गया है? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, तो वो जगह दिखाएंगे कौन सी जगह है, कहाँ जगह? सर आगे ये वाली है, ये तो इतना बना है, यहाँ से तो निकल जाएगी। तो क्या आपने संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था? हाँ जी सर दिया था मैंने। तो क्या उसका दिया है सर? SDM साहब की कोई अधिकारी आया नहीं अभी तक? अभी तक मुझसे अधिकारी मिला नहीं है, आया था, लोगों ने बताया है, अपने मुलाकात करके चले गए। थाना दौरा हाट के दुधनिया गांव में दो मुस्लिम परिवारों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि एक परिवार छज्जा निकाल रहा था गली में, दूसरे पक्ष ने यह आरोप लगाया कि ये छज्जा निकालने से कभी भविष्य में जब जुलूस निकलेगा तो उसमें व्यवधान आएगा। इस बात को लेकर उसने गड्ढा खोद लिया था और गड्ढे में समाध लेने के लिए आतुर था। पुलिस को सूचना मिली, तुरंत मौके पर जाकर दोनों पक्षों के गिरफ्तारी की गई है और नियमानुसार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। अब हमारा नाम तो अबरार हसन है। अबरार हसन जी, तो हसन जी ये बताइएगा कि आपका बेटा यहाँ पर कवर खोद रहा है, उसका कहना है कि कुछ लोगों ने रोड में छज्जा डाल रखा है, अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम जिंदा समाधि ले लेंगे, निकलने का रास्ता मांग रहा है। तो अब तुम देव साहब तुम्हें देने वाले हो, अच्छी बुरी जो कुछ है इंसाफ वाले। आप क्या छज्जा डालने का विरोध करते हैं? जो छज्जा डाला गया है हम का विरोध कर रहे हैं, वो सब गांव भर निकल ये गांव भर विरोध करे न करे। क्या ये लोग जो छज्जा डाल रहे, क्या ये लोग वैसे अपने तुम जा पावन मजबूरी है आग में कटोरी? अच्छा, जिन लोगों ने छज्जा वगैरह डाला हुआ है क्या ये दबंग किस्म के व्यक्ति है क्या? जाने अब जैसे जो कुछ है भैया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मनोज मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? शासन प्रशासन से एक युवक इतना नाराज हो गया है कि खुद ही अपनी समाधि बनाने में अड़ा हुआ है। हेलो मनोज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मनोज, मुझे सुन पा रहे हैं आप? देखिए मैम, ये रोहनीपुर गांव के दुनियापुर गांव का मामला है, जहां पे इसरुल हसन नाम का जो व्यक्ति है उसका पड़ोसी रोड पे अत्यधिक ज्यादा संख्या मतलब ज्यादा मीटर में छज्जा निकाल रहा था, जिसका ये विरोध कर रहा था। उसको आने जाने में काफी गंदा उत्पन्न हो रही थी, जिस वजह से इसने उसको रोका, लेकिन वो नहीं माना। पर इसने मजबूरी में जाकर प्रशासन की शरण ली। प्रशासन की शरण लेने के बावजूद भी उसे वहां से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और ना ही प्रशासन ने जो छज्जा निकालने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की या जांच की। तब मजबूरी में जाकर के उसूल कसम को ये मजबूरी में फैसला उठाना पड़ा कि जब शासन से ही उसको जब राहत नहीं मिलती नजर आई तो उसने अपनी कब्र खोद के खुद ही उसमें दफन होने का फैसला लिया। क्या कि युवक अपनी कब्र खोदता हुआ नजर आ रहा है, परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि जानकारी ऐसी मिल रही है कि अपनी पड़ोसी से विवाद हो गया था और विवाद के बाद उसने कदम उठाया। इसरुल हसन जो कि पीड़ित है, उसका जो पड़ोसी था वो रास्ते को लेकर छज्जा निकाल रहा था, जिसका ये विरोध कर रहा था कि आप छज्जा निकाल दोगे तो हमारा निकलने आने जाने में निकलने में दिक्कत होगी, लेकिन उसका पड़ोसी नहीं मान रहा था। मनोज, तो पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले में? मैम अभी तक तो इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वही अपर पुलिस अधीक्षक लेकिन तस्वीरों में तो पुलिस जब इसकी जानकारी हुई तो तस्वीरों में तो पुलिस की टीम पूरी यहां पहुंची हुई है। हेलो मनोज, मेरी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है आप तक? मैम आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कानपुर देहात का एक पूरा मामला है, जहां पर शासन प्रशासन से नाराज युवक अपनी कब्र खोदता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पड़ोसी से कुछ विवाद हो गया था, विवाद के बाद ये जो पूरा मामला है वो बढ़ता चला गया। शिकायत लेकर पीड़ित पहुंचा, लेकिन पुलिस ने शिकायत नहीं सुनी, जिसके बाद उसने ये फैसला लिया है। अभी तक पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन तस्वीरों में पुलिसकर्मी जो है यहां पर उस युवक को रोकते हुए जरूर नजर आ रहे हैं।
और अब खबर मेरठ से है, जहां दो नाबालिगों की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पूरा मामला किठौर थाना क्षेत्र के कस्बा शाहजापुर का है, जहां ई रिक्शा में सवारी लेकर गए दो नाबालिग किशोरों की हत्या कर दी गई। दोनों किशोर शनिवार शाम से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए थे। लापता बच्चों के पिता ने देर रात किठौर कोतवाली पहुंचकर गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद जंगल से दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए, जिसके बाद से पूरे गाँव में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। मामला यह है, मेरा नाम जानेल है, मैं शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ। मैं मयूरी चलाता हूँ। मेरा ये लड़का शादी और इसका दोस्त ये शाम को मयूरी लेकर निकल गए मुझसे बगैर पूछे, और आन के फतेहपुर में आए थे। फिर हमने फ़ोन करा भाई कहाँ हो, लेकर आओ। ये बोले जी हम फतेहपुर में आ रहे हैं। उसके बाद से इनका ना फोन लग रहा था और ना कुछ हुआ था। फिर हमने इनको बहुत ढूंढा वो करा, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, मगर इनका कुछ पता नहीं लगा। सुबह को इनकी डेड बॉडी फतेहपुर नारायण के जंगल में मिली। कितने बजे लेके निकले थे मयूरी? मयूरी करीब 5 बजे लेके निकले थे। जब से कोई पता नहीं लगा। और 5:30 बजे हमने इनसे बात करी थी कि भाई कहाँ हो, कहाँ चले गए तुम, तो इन्होंने बताया हम फतेहपुर नारायण में हैं। वही गाजीपुर के अराजी कस्बे में राशन वितरण में धांधली का आरोप लगाकर दबंगों ने कोटेदार और उसके परिजनों पर हमला किया, जिससे कोटेदार, उसके भाई और घर की महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए। मामले में बहीराबाद पुलिस ने आरोपियों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, पर अब भी कोटेदार और उसका परिवार दहशत में है। मारपीट में घायल कोटेदार के बेटे ने बताया कि गाँव के एक समुदाय के लोग पहले से ही मारपीट की योजना बनाकर राशन लेने आए थे, तो दबंगों ने कोटेदार के साथ जमकर मारपिटाई की है। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये पूरा मामला सामने आया है गाजीपुर से, जहां पर दबंगों ने कोटेदार उसके बेटे के साथ जमकर मारपिटाई की। मारपिटाई के बाद सर प्रीपेड प्लानिंग था लोगों का, तो सर हम सर जो नियम है कि एक यूनिट पर यूनिट पे 2 किलो चावल 3 किलो गेहूँ, लेकिन वो लोग शरारती लोग थे सर, उन लोगों ने जिद मचा कर उनको सिर्फ चावल ही चाहिए था, सिर्फ चावल जी सर, जो कि सर आवंटन में चावल कम आता है गेहूँ ज्यादा आता है, लेकिन उन लोग को चावल ही चाह रहा था। आरोप तो ये लगाया जाता है कि आप जो है घटतौली में कम करके आप राशन देते हैं, इसलिए मारपीट का कारण हुआ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, घटतौली का कोई बात नहीं था वहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ एक गेहूँ और चावल को लेकर मैटर फैला था। तो क्या हुआ था सर? वही जब इसी इतने बात पे जब हम नहीं दिए सर, तो इसी बात पे बहस होने लगी और हमारे चाचा जी थे उनको गाली देने लगे सर। विवाद के दिन तो नहीं थे सर। अच्छा, ये राशन किसे देते हैं? कितना राशन मिलता है? 5 यूनिट है, 25 किलो। 25 किलो और पैसा कितना लेते हैं? पैसा इनसे मैं निःशुल्क मिलता है। हरदोई के बेनीगंज पुलिस ने अभियान चलाया है, जिसका नाम है ऑपरेशन सिकंजा। इसके तहत वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पुलिस ने 2 बाइक बरामद की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो हरदोई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर बाइक चोर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल यहां पर पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन सिकंजा, जिसके तहत चेकिंग की जा रही है वाहनों की। ऐसे में जो चोरी के वाहन हैं, जो अवैध वाहन हैं, उनको जब्त किया जा रहा है। साथ ही साथ जो चोर गिरोह हैं, उन्हें भी पकड़ने में कामयाबी हासिल हो रही है। दरअसल हरदोई के बेनीगंज पुलिस ने यह अभियान चलाया, जिसका नाम है ऑपरेशन सिकंजा। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता की मौत हो गई है, जिसके बाद महिला के परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। और यहां पर हंगामा करते हुए पुलिस भी बीच बचाव में पहुंची है। उनका कहना है कि बिना परमिशन के ही प्रसूता का ऑपरेशन कर दिया गया और उसकी मौत हो गई। साथ ही परिजनों ने राजगंगा नर्सिंग होम के मालिक और डॉक्टर पर कार्रवाई करने को लेकर जमकर हंगामा किया है। तो डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता की मौत हो गई है, परिजनों का राजगंगा नर्सिंग होम में हंगामा नजर आया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं शामली में तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने अनियंत्रित होकर एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया गया। मौके पर मौजूदा लोगों ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं दूसरे युवक का इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद से ही ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है।
तुरंत ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, घायल का इलाज लगातार जारी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। अनियंत्रित होकर एक ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई है। एक युवक की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।